तो आप सबका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 20503 डिब्रूगढ़ से न्यू दिल्ली जाने वाली डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, और ये है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का पार्ट फोर। तो चलो कंटिन्यू करते हैं पार्ट फोर को। और पार्ट थ्री में आपने बहुत ही कम लाइक दिए है, तो यार जिसने भी नहीं देखा और लाइक अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो। वो पार्ट थ्री पे मैंने 30 लाइक का आपको बोला था, पर ओनली 16 लाइक ही हुए हैं, तो यार बहुत ही कम लाइक है। आप लाइक नहीं करते। और दूसरी एक भी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि डेली वीडियो आती है और मैं लाइव भी आता हूँ, तो मैं जब भी लाया हूँ तो आप सबसे बात कर सकूँ। यानी कि अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सब्सक्राइब किया होगा तो ही आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसी वजह से सब्सक्राइब कर लेना। चलो ऑटो पायलट अपनी ट्रेन को चला रहे थे, तो खुद के कंट्रोल में लेते हैं और जाने देते हैं अपनी ट्रेन को। और आगे हमको स्टेशन को भी स्किप मारने वाले हैं। और ये रूट है NFR रूट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, और ये एक्टिविटी अपना डिब्रूगढ़ राजधानी है। तो चलो चलते हैं आगे। और आगे कोई ट्रेन भी आई थिंक हमें क्रॉस देने वाली, देखते हैं कौन सी ट्रेन है जो हमें क्रॉस देती है। वो पहले डिब्रूगढ़ राजधानी का जो ट्रेन नंबर हुआ करता था वो था 12235, जिसको अभी चेंज करके अपना कर दिया है 20503। तो कोई ऐसा मत बोलना कि भाई साहब आप जो है वो ट्रेन नंबर जो है वो गलत बता रहे हो। एक्चुअल में इसका डिब्रूगढ़ राजधानी का जो ट्रेन नंबर है वो चेंज कर दिया है हमारे इंडियन रेलवेज ने। तो चलो देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन है। न्यू बनेश्वर स्टेशन है जिसको हम इप तो मारेंगे, पर यहाँ पे हमें आई थिंक हॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग देने आ रही होगी हमें। तो फुल ब्रेक्स लगाते हैं, कॉन्स्टेंट सर्विस, और ये हमने इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगा दिए, पर उतना कुछ ब्रेकिंग पावर नहीं है, तो ऑटो पायलट को ही देना पड़ेगा आई थिंक मुझे। नहीं चलो हो गया, तो आई होप जल्दी से रुक जाए हमारी जो ट्रेन है वो सिग्नल के पहले। चलो रुक गई है। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग पावर। अब मुझे समझ में आया कि ये WDP 4D में हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जैसा नहीं कि हमें ओनली 10% ब्रेक्स लगाए और पूरे ब्रेक्स अप्लाई हुए, ऐसा नहीं है इसमें। तो थोड़ा सिग्नल के पास जाके रुकेंगे ताकि हमें जब भी सिग्नल मिले तो हम निकल जाए। और यहाँ पे BCNA गुड्स ट्रेन आके खड़ी हुई है हमारे बाजू में। और नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा न्यू ओछा बिहार जंक्शन। चलो ब्रेक्स लगा देते हैं सिग्नल के, ऑलरेडी हम काफ़ी पास आ चुके हैं। और ये हमारी जो ट्रेन है वो रुक चुकी है, पर अभी आई थिंक इसको अभी भी सिग्नल नहीं मिला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये देख सकते हो आपकी अभी भी आपको ये WDG 4D BCNA फ्राइट ट्रेन के साथ खड़ा हुआ है, पर सिग्नल नहीं मिले है। आगे की ओर देखते हैं क्या है हमें। आई थिंक सामने से कोई ट्रेन आ रही है ऐसा लग रहा है मुझे, तो देखते हैं। वैसे भी हमने जब पार्ट थ्री जो हमने ट्रेन चलाई थी तब आपने आगे देखा होगा कि कैसे जो ट्रैफिक था वो ब्लॉक हो गया था और हमने कैसे क्लियर करवाया था वो भी आपने देखा था। तो जरा आके जाके देखते हैं अपने ड्रोन कैमरा को लेके कि भाई कौन सी ट्रेन है जो आ रही है जो हम क्रॉस देगी। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर तक हमें आगे जाना पड़ेगा। तो ये आ रही है सामने से या जा रही है देखना पड़ेगा हमें। NEX ये क्या है, WDG 4 के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन
हमें क्रॉस दे रही है, देखते हैं कब तक आती है। वैसे तो बहुत स्लो आ रही है, आई होप जल्दी से आए। वैसे ये भी हमारी जो ट्रेन है वो लेट हो चुकी है, ज़रा इसके साथ साथ चलते हैं, सिग्नल देखते हैं इसको क्या मिल रखे आगे, तो इतनी स्लो जा रही है। तो येलो सिग्नल है तो स्लो ही आएगी ट्रेन, आई होप जल्दी से क्लियर हो जाए इसके सिग्नल, और आई होप पहले जैसा ट्रैफिक जाम ना हो। तो काफ़ी स्लो स्लो आ रही है, और पीछे देखते हैं फ्राइट ट्रेन जो है वो निकल चुकी है, और हमारे बाजू में कोई ट्रेन आई है, देखते हैं कौन सी ट्रेन बाजू में हमारे आई है। ज़रा इस तरफ देखते हैं, एल्को लोकोमोटिव के साथ कोई स्पेशल ट्रेन हमें क्रॉसिंग देने के लिए आई हुई है। बहुत ही धीरे धीरे आ रही है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि लूप लाइन पे एंटर कर दी है ये ट्रेन। तो देखते हैं ये स्पेशल ट्रेन को आगे भेजते हैं या हमें भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये देख सकते हो लखनऊ सेड का WDM3 है प्रबल, तो बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव लग रहा है प्रबल। तो रुकवा दी है यहाँ पे, और देखते हैं कब तक सामने जो ट्रेन है वो आती है और क्रॉस हमें देती है। वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो चुके हैं, 30 मिनट प्लस लेट हो जाएंगे न्यू ओखा बिहार जंक्शन पहुँचते पहुँचते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सीधा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रहेगा, तो लेट हो बहुत ही चांसेस है कि हम लेट होंगे। और सामने से जो ट्रेन आ रही है वो काफ़ी स्लो आ रही है, आई डोंट नो आई क्यों अभी तक वो आई नहीं है। ज़रा फिर से जाके देखते हैं, तो अभी आ रही है, चलो ब्रिज पे थोड़ी देर में आ जाएगी। स्पीड कितनी है ज़रा देखते हैं, काफ़ी स्लो आ रही है, और सिग्नल एस्पेक्ट क्या है। तो येलो सिग्नल यहाँ भी तो स्लो ही आएगी। चलो हम अपनी ट्रेन की तरफ चले जाते हैं, बहुत ही बढ़िया ये एल्को लोकोमोटिव लग रहा है प्रबल, और ये हमारा WDP4D सेलिब्रेशन लोकोमोटिव तुगलाबाद सेड का WDP4D जो हमने यूज़ किया है। और हमारे बाजू में कोई एल्को लोकोमोटिव के साथ कोई स्पेशल ट्रेन आई हुई है, तो काफ़ी दूर सिग्नल से खड़ी हुई है वो ट्रेन, पर मेन लाइन पे है तो पहले हमें ही सिग्नल मिलना चाहिए। ज़रा अभी भी वो ट्रेन दिख नहीं रही है, बहुत ही स्लो आ रही है, जो भी ट्रेन सामने से आ रही है वो बहुत ही स्लो आ रही है। तो वेट करते हैं हम थोड़ी देर, वो ट्रेन को आने देते हैं और वेट करते हैं। न्यू कोका बिहार जंक्शन 5.6 किलोमीटर लेफ्ट है, चलो आ गई, अब दिख रही है मेरे को वो ट्रेन, आपको थोड़ा नज़दीक आएगी अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो थोड़ा नज़दीक आएगी, उसके बाद आपको दिखेगी। तो एक्टिविटी शुरू करने के साथ ही हमें वेट करना पड़ गया, यानी कि वीडियो शुरू करने के साथ ही 8:04 है, उसके बाद कोको बिहार जंक्शन के बाद देखते हैं कि हम ये एक्टिविटी को हम ये पार्ट में पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पीछे स्पेशल ट्रेन, तो अभी हम देखेंगे कि क्या हमें सिग्नल पहले मिलता है या स्पेशल ट्रेन को, क्योंकि चांसेस तो हमारे ज़्यादा है, क्योंकि राजधानी के ऊपर कोई ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं मिलती राजधानी से ज़्यादा, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमें सिग्नल मिलना चाहिए पहले। और मेन लाइन पे भी हमें खड़ा किया है, और ये जो ट्रेन आई है वो काफ़ी स्लो स्लो आ रही है, आई डोंट नो आई क्यों। मेन लाइन पे है तो हम अच्छी खासी स्पीड में डिपार्ट कर सकेंगे, चलते हैं वापस अपने WDP4D की तरफ। इधर से देखते हैं गेम को एक बार, इससे कर लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक ट्रेन आ रही है, अगर क्रैश हुआ गेम तो लेने के देने पड़ जाएंगे WDP4D।
तो बहुत सारी जो ट्रेन्स है वो WDB 4D के साथ ही चल रही है। पीछे देखते हैं, चलो पीछे कोई ट्रेन नहीं है तो ये जो ट्रेन है वो पास हो जाएगी सीधे, इसे सिग्नल मिल जाएंगे, पर उससे पहले हमें सिग्नल मिलने चाहिए। चलो भाई जाने दो, वैसे भी तुमने हमारा बहुत ही टाइम जो है वो वेस्ट किया है, तो आई होप अब फटाफट सिग्नल मिले और हम यहाँ से निकल जाए। तो सिंगल लाइन सेक्शन में यही क्रॉसिंग की बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, क्रॉसिंग के लिए हमें बहुत ही रुकना पड़ता है और काफ़ी लंबी ये ट्रेन भी है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ये WDP 4D, चलो भाई WDP 4D थोड़ा खींच लो अपनी ट्रेन को ताकि जो हमें हमारा जो ट्रैक है वो क्लियर हो और हम फटाफट से यहाँ से निकल जाए। तो आई थिंक ये जानबूझकर हमें परेशान कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके जो लोको पायलट है उनको राजधानी चलाने को नहीं मिली और कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ा दी गई है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो के। ओ नो, क्या मैं ये क्या देख रहा हूँ कि स्पेशल ट्रेन को आगे निकाला गया है यार, एक राजधानी को रुकवा के एक स्पेशल ट्रेन आगे जा रही है, क्योंकि आई थिंक इसका जो ट्रैक है वो पहले क्लियर किया था ये ट्रेन ने, इसकी वजह से। तो अच्छी खासी स्पीड में एल्को ने भी डिपार्ट किया है और अभी भी हमारा रास्ता रोके हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें सिग्नल मिलेगा ये जब तक आगे नहीं जाती। काफ़ी लंबी ट्रेन है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ ये काफ़ी लंबी ट्रेन है ये, तो निकल गई वो एल्को लोकोमोटिव के साथ स्पेशल ट्रेन। तो स्पेशल ट्रेन को आगे निकाला गया है यार, तो हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी एक स्पेशल ट्रेन को दी गई है यहाँ पे। अब जब तक वो पूरा आगे नहीं चली जाती, हमारा वे क्लियर नहीं कर देती, तब तक हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे। और आई थिंक ये जो ट्रेन है इसने भी हमारा जो रास्ता है वो ब्लॉक कर रखा है। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि इसने भी जो हमारा रास्ता है वो ब्लॉक कर रखा है। तो भाई चलो तुम्हें सिग्नल मिले या ना मिले हमें आगे जाने दो। और आई थिंक यहाँ पीछे से भी कोई ट्रेन आ रही होगी, इसी वजह से हमें सिग्नल की दिक्कत हुई है। तो चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और देखते हैं क्या हालचाल है भाइयों ये सब ट्रेन्स का। बहुत ही आज तो परेशानी 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 हो चुकी है। अगर 11:06 तक सिग्नल हमें नहीं मिलता या ट्रेन ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो आई हुई है अभी अभी वो आगे नहीं जाती, तो हमें उसको मैन्युअली हटाना पड़ेगा, सिग्नल को मैन्युअल करके तभी हमें सिग्नल मिलेगा। तो चलो थोड़ा अब फास्ट फॉरवर्ड को बंद करते हैं और कौन सी ट्रेन है, NEE XP, ये रही। चलो थोड़ा सिग्नल को मैनुअल करते हैं, तो थोड़ा इसको आगे ही ले लेते हैं तो हमारा जो वे है वो क्लियर हो जाए। ज़रा सिग्नल के पास जाके रोक देते हैं इसको। चलो हमारा रास्ता क्लियर हो गया है, तो ले लेते अपनी ट्रेन को वापस। चलो ऑटो पायलट ने तो हमारी ट्रेन को भगा लिया है। चलो तो बहुत ही परेशान किया ये ट्रेन ने, तो जैसे ही हमारा रास्ता क्लियर हुआ वैसे ही आप देख पा रहे हो हमें सिग्नल मिल गए और निकल गए हम यहाँ से आगे की ओर न्यू ओका बिहार जंक्शन की तरफ। 4.9 किलोमीटर लेफ्ट रह गया है और अभी
ऑटो पायलट से हमने ट्रेन ले ली है और न्यू कोका विहार जंक्शन पे हमें मेल लाइन का स्टॉप मिला है। वो बंद करते हैं ये विंडो को, ट्रेन लिस्ट वाली विंडो को, और बहुत ही अच्छी, चलो हमने जो है वो ट्रेन थी उसको बहुत अच्छी तरीके से आगे थोड़ा लिया, और ना ही हमने सिग्नल ब्रेक किया, मैंने मैनुअल किया तो भी वो ट्रेन को वो सिग्नल नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा ही आगे लिया और हमें सिग्नल मिल गया। तो वो जो पायलट थे वो थोड़े गुस्से में थे, उनको ये राजधानी की ड्यूटी लेनी थी यानी कि चाहिए थी पर मिली कोई एक्सप्रेस ट्रेन की, इसकी वजह से वो थोड़े फ्रस्ट्रेशन में थे। तो हमें सिग्नल क्या है कि हमारा ब्लॉक कर रखा पेट उन्होंने, और तो भाई दुश्मनी ना निभाओ भाई, हम ही चलाएंगे राजधानी एक्सप्रेस को, और आगे 45 किलोमीटर पर और 20 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद अभी तो जाने देते हैं, ब्रेकिंग पावर अगर नहीं हुआ तो थोड़ी स्पीड में एंटर कर देंगे न्यू कोका विहार जंक्शन पे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम। 45 किलोमीटर पर और की स्पीड में लुप लाइन पे भी एंटर करेंगे हम। चलो ब्रेक्स लगाना चालू कर देते हैं क्योंकि 1 ही किलोमीटर अब 45 किलोमीटर पर और की लिए रह गया है, और ये देख सकते हो आप कि जो हमारा ब्रेकिंग पावर है वो कितना स्लो है। चलो अच्छी ब्रेकिंग हो गई, ज़्यादा ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं इसको रोकने के लिए, तकरीबन 35% जो ब्रेकिंग पावर है वो अप्लाई करनी पड़ती है। चलो जाने देते हैं यही स्पीड में और बढ़ते हैं न्यू कोका विहार जंक्शन पे, 1.5 किलोमीटर लेफ्ट है न्यू कोका विहार जंक्शन। हॉर्न बजाते हैं क्योंकि आगे है लेवल क्रॉसिंग, तो लेवल क्रॉसिंग पे थोड़ा हॉर्न बजा लेते हैं, और ये अपना WDP 4D का कैब व्यू, तो कैब व्यू में मज़ा नहीं आता, बहुत लोग बोलते हैं कि कैब व्यू में जर्नी करो, और हमें जो है वो कैब व्यू में मज़ा नहीं आता इसलिए नहीं करते जो कैब व्यू में जर्नी, क्योंकि हमें तो जो है वो पैसेंजर व्यू में जर्नी करना अच्छा लगता है। और ये आउटर कैमरा पे, और ये जो कोचिस है इसमें जो पैसेंजर व्यू है वो काफ़ी पीछे रख दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने लास्ट की EOG पे ही अपना पैसेंजर व्यू है, सिर्फ लास्ट के EOG पे ही अवेलेबल है, ना ही फ्रंट और ना ही कोई कोचिस के। तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हमने यहाँ न्यू कोका विहार जंक्शन पे एंटर किया है, और सामने से कोई ट्रेन भी खड़ी है, देखते हैं न्यू कोका विहार जंक्शन पे कौन कौन सी ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है। तो है अपना एल्को लोकोमोटिव जेम्बो, वो कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन को लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है न्यू कोका विहार जंक्शन पे। एक बारी गेम को सेव करते हैं क्योंकि काफ़ी लैग हुई मेरी गेम, और ये जेम्बो तो आई थिंक कोई रेक है उसको स्टंट कर रहा है, मिक्स रेक है मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो यहाँ एंटर करते हैं न्यू कोका विहार जंक्शन पे, देखते हैं हमारी जो पूरी ट्रेन है वो थोड़ी देर में आ जाएगी प्लेटफॉर्म पे, ऑलरेडी हमने काफ़ी लेट करवा दिया अपनी ट्रेन को, 10:28 पे पहुँचना था और 11:11 हो चुके हैं, तो काफ़ी बड़ा स्टेशन लग रहा है। तो स्पेशल ट्रेन को आगे निकाल दिया गया और यहाँ से भी आगे जा चली गई है स्पेशल ट्रेन, तो एक राजधानी एक्सप्रेस का ओवरटेक कर दिया, कोई
नॉर्मल ICF स्पेशल ट्रेन ने, ये आपको इंडियन रेलवेज में तो देखने को नहीं मिलेगा, पर हमारी गेम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलो 25 सेकंड का होल्ड मिला है तो 25 सेकंड का होल्ड लेते हैं। ऑलरेडी तो हमने हॉर्न बजा ही दिया है और यहाँ पे देखते हैं कोई ट्रेन जो है वो पीछे आ रही है या नहीं। तो काफ़ी सारी जो ट्रेन्स है वो यहाँ पे न्यू ओका विहार स्टेशन है वहाँ पे खड़ी हुई है स्टेटिक। तो चलो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे की ओर। सिग्नल मिल चुके हैं हमें आगे जाने के थोड़े, तो ज़रा स्टेशन से उठा ले अपनी ट्रेन को और देखते हैं नेक्स्ट जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन जो यहाँ से 38 किलोमीटर लेफ्ट। और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है जिसकी वजह से हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लेते हैं तब तक आई थिंक हमें सिग्नल मिल जाएगा। कोलकाता गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस विथ WDP 4 बास, जरा देख के आते हैं ये बास को। भाई खड़ा रहे बास WDP 4D 2001 2 बास, ये देख सकते हो आप बास गरीब रथ को लेके आया है हमें क्रॉसिंग दे रहा है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बास, ये एक ही है अपने इंडियन रेलवेज में बास, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कोई दिन इसको चलाएंगे अपने बास को और जाने देते हैं अपनी ट्रेन को फटाफट आगे। चलो सिग्नल मिल चुका है तो 25% जो है वो टोटल पावर ओपन रखते हैं और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है वो भी फॉलो करते हैं। ट्रैक साउंड आप सुन ही सकते हो, मैं कुछ बोल नहीं रहा इसीलिए ट्रैक साउंड आपको बराबर से सुनाई दे। ये लाइन जो आप देख रहे हो इस तरफ जा रही है, ये अपना अलीपुर जंक्शन की तरफ जा रही है। अलीपुर तो हम होके आए, टाइम टेबल में देखते हैं। हाँ न्यू अलीपुर और जैसी अलीपुर है तो दोनों अलग स्टेशन है, अपने न्यू अलीपुर होके आए। चलो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, थोड़ा 38% टोटल पावर ओपन कर देते हैं। ये सुन सकते हो कितने बजे आप, तो वीडियो 5:30 बजे आएगी, आप एक बार और सुना दूं कैसा लगा। चलो थोड़ी देर में हमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट मिल जाएगी, उसके बाद हम पकड़ते हैं अपनी ट्रेन को।
वैसे तो हमारी जो पूरी ट्रेन है वो मेन लाइन पे आ चुकी है, तो चलो भगा लेते हैं अपनी ट्रेन को। और 120 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो भी मिल चुकी है। काफ़ी लेट हो जाएंगे हम न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुँचते पहुँचे। अराउंड हमें 36 किलोमीटर करने के लिए और एक घंटा लग सकता है, एक घंटा नहीं 36 किलोमीटर करने के लिए आधा घंटा तो लगेगा ही हमें। अराउंड सिंगल लाइन सेक्शन है तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप एवरेज अगर पकड़ो तो भी आधा घंटे से ऊपर लगेगा ही। और ये काफ़ी छोटा सा ब्रिज हम थोड़ा ऊपर हो लेते हैं वरना आ जाएंगे। तो 2 किलोमीटर के बाद फिर से आगे रेड सिग्नल है, आई होप जल्दी से क्लियर हो जाए वो रेड सिग्नल और हम फटाफट पहुंच सके आगे की ओर। हो जाना चाहिए, मैं टोटल पावर कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता हूँ ताकि जो हमारी ट्रेन है वो जल्दी से जल्दी 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चली जाए। जैसे हमारे पास है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट और हमारे पास परमिशन भी है 120 तक चलने की, राजधानी को परमिशन मिल गई है 120 तक चलने की, तो चलाते अपनी ट्रेन को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। सिग्नल नहीं मिला है तो ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, आई होप सिग्नल मिल जाए। ये सिग्नल क्रॉस करते ही नहीं मिला है तो ब्रेक्स लगानी पड़ेगी हमें। कंडोबरी स्टेशन है यहाँ पे, हमें सिग्नल के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। तो यार आज तो बहुत ही हमें जो है वो हालत ख़राब कर दी ये लास्ट में ये एक्टिविटी ने, क्योंकि काफ़ी क्रॉसिंग हो रहे हैं और सामने से चलो कोई ट्रेन भी आ रही तो हम ज़्यादा ब्रेक्स लगा देते हैं ताकि जो भी ट्रेन हो वो फटाफट से हमारा रास्ता जब तक क्लियर कर ले हमें पूरे ब्रेक ना लगाने पड़े। तो ये है डिब्रूगढ़ राजधानी जो न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ की ओर जा रही है। एक बार ही सेव कर लेते हैं दोनों के लोको पायलट अपने फ्लैग्स को एक्सचेंज करते हुए सिग्नल को, ये देख सकते हैं। पर ये वाइट फ्लैग क्यों है आई डोंट नो व्हाई क्यों वाइट फ्लैग दिया हुआ है। चलो दोनों डिब्रूगढ़ राजधानी कुंडी बारी स्टेशन है जहाँ पे क्रॉस दे रही है एक दूसरे को। तो आई होप ये राजधानी एक्सप्रेस है जो पूरी पेट आ जाए लूप लाइन पे और हमें फटाफट से सिग्नल मिल जाए। तो हमारी तो ट्रेन आ चुकी है पूरी और ये भी डिब्रूगढ़ राजधानी, चलो एक्सलेट कर दिया इसको सिग्नल मिल जाएंगे। तो चलो हम भी एक्सलेट कर देते हैं 25% तक और हॉर्न बजाते हैं। सिग्नल जैसा कि आप देख रहे हो हमें मिल चुके हैं लाइन क्लियर होते ही हमारी। तो दोनों राजधानी एक्सप्रेस अप एंड डाउन दोनों एक दूसरे से क्रॉस होती हुई।
तो चलो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं लाए हूँ तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।